गौ माता, जो हमारा लव फॉर गौ फाउंडेशन का जो भी कामकाज है वो सिर्फ गौ रक्षा के लिए ही है। आज गौ प्रोडक्ट देखिए आप, और हमारा प्रति हर एक लोगों को यही विनती है कि गौ माता को रक्षा करने के लिए प्रतिदिन रोज एक रुपया आप जरूर देना है, तो गौ रक्षा इसमें होगी। और शिव कुमार जी आज इतना बड़ा काम कर रहे गौ रक्षा के लिए, तो हम लव फॉर गौ ये कि इनके साथ है बोल के नहीं है। परसों हम लोग यहाँ पर मीटिंग किए थे वेंकटेश्वर लॉज में, तो सभी समाज वाले आए थे वहाँ पर। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतने समाज वाले मेरे साथ आएंगे, मारवाड़ी, तेलुगु, गुजराती, पंजाब, हर एक समाज वाले अपने साथ आके, उसके पूरे अध्यक्ष आए थे, पूरे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए थे, और बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था। उसमें सभी लोगों का मेरे साथ आश्वासन है, और सभी लोग बोले पूरा वर्ल्ड में गौ माता रक्षा के लिए ये कार्यक्रम होना ही चाहिए, गौ रक्षा होना ही चाहिए। गौ रक्षा सभी की माँ है, सिर्फ हिंदुओं की बोल के नहीं है। गौ माता दूध तो सभी को देती है, किसको दूध नहीं देती है तो तकलीफ क्यों है अपन को। कि हर एक आदमी गौ माता का रक्षा के लिए सभी समाज वाले, कोई भी जाति के रहने दो, सभी लोग आगे आना है, सभी लोग गौ रक्षा करना है। और हम लोग कल एक पाटीदार समाज में लक्ष्मीनारायण भवन एल बी नगर में मीटिंग किए थे, वहाँ पर हमारे पाटीदार समाज पूरे तेलंगाना के आश्वासन दिया है कि 8 तारीख को एल बी नगर पे 10 बजे पूरा तेलंगाना के पाटीदार समाज उनकी पूरा बिजनेस दुकान बंद करके सभी लोग इसमें भाग लेने वाले हैं, और 12 बजे के बाद ये कार्यक्रम होने के बाद ही दुकान खोलने वाले हैं। तो आज इतना बड़ा अपन को आश्वासन मिल रहा है, तो ये कार्यक्रम सिर्फ तेलंगाना में करने का उद्देश्य मेरा नहीं है। जब तक गौ हत्या नहीं रुकेगा तब तक पूरा वर्ल्ड में करने का है। आज हमारे सब जगह मीटिंग शुरू हो गए, दिल्ली में, गुजरात में, हर एक जगह पर, तमिलनाडु, केरला, तो सभी लोगों ने हमको आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।